Old bungalow? Okay. भाई, कोई लड़की आई है? हैं? क्या फोन आपने किया था? हाँ, भाई, देख रहे हैं? क्या दिखती है भाई? हाँ देखा, लेकिन रंग थोड़ा फीका है। क्या भाई? कितनी तो लाल है ये? ए, लाल तेरे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। हेलो एक्सक्यूज मी, ये पैसे लेकर उसे छोड़ दीजिए। दिखने में तो तुम इतनी अमीर लगती हो, इतनी खूबसूरत हो, लेकिन प्यार करने को वो टपोरी मिला था। What? मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। इसने बिना किसी जान पहचान के लाख रुपए दे दिए, ये जरूर अमीर होगी। इसे पकड़ के इसके बाप को फोन करेंगे ना तो लाख क्या 10 लाख रुपए मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, आपका भी जवाब नहीं भाई, क्या जबरदस्त आइडिया दिया आपने। भाई वो लड़की आई इसलिए बच गया, नहीं तो जिग्गू भाई तेरी हड्डी पसली एक कर देता। ये क्या, ये खुद से बातें कर रहा है? सिगरेट पियोगे? कॉमन सेंस नहीं है लेकिन कर्टसी तो है। जला ले। कितनी देर कर रहा है, जल्दी कर। अबे अरे मर गया मैं। अरे उसे ऐसे क्यों मार रहा है? अरे मैं कहा मार रहा हूँ, वो मुझे मार रहा है। मैंने उससे ही कहा था। अबे पकड़ो उसे, पकड़ो। हेलो, हेलो। आपने ये क्या कर दिया? उन्होंने पैसे क्या मांग लिए आपसे, तो आपने रिस्क उठाकर लाख रुपए दे भी दिए? ऐसी बात नहीं है, कभी कभी दुनिया भर के पैसों से भी एक जान नहीं बचाई जा सकती। ऐसे में लाख रुपयों के लिए एक जान को कैसे जाने दे सकती थी? क्यों, सही कहा ना मैंने? एक अनजान इंसान के लिए आपने जान बचाने के लिए जानना जरूरी नहीं है ना। ऑटो कार कल लेकर आइएगा, टेक केयर। देखकर पता चला लड़की सुंदर है, लेकिन जब उसका दिल देखा तो पता चला उसका मन भी उतना ही सुंदर है। नेक्स्ट डे कार डिलीवरी के लिए कॉल किया तो उसने कॉलेज जाने के लिए कहा। ये ठीक है? अरे सुपर, लड़कियों की बहार है। मैं देखकर सोचा था सुंदर है, डेलाइट में तो और भी सुंदर लग रही है। हाय। हाँ हाय, चल कीज दे। ये बालू। हेलो। ये बॉब जी। हेलो। और वो अप्पू। गांव से और लोगों को भी बुला लेते। भाई तुम्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा ही आता है। भाई कहा? मतलब ये फेस देखकर कंफ्यूज हो गया। क्लास से आ रही हो ना? नहीं, स्टेज शो करके आ रहे हैं। ये तबला बजाती है और मैं मृदंग बजाती हूँ। वाह क्या बजाती है। आपकी कार रिपेयर हो गई है, एक बार टेस्ट ड्राइव करेंगे? धक्का मार कर लाए हो? नहीं नहीं,
चला कर लाए हैं। तो फिर टेस्ट ड्राइव क्यों? टाइम पास के लिए? मतलब आपकी कार का इंजन बहुत स्मूथ है, ऑयल कौन सा यूज करती है बता देंगी तो अपने कस्टमर्स को वही रिकमेंड करूंगा। नवरत्न हेयर ऑयल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिएगा। हमारे पड़ोस में काम वाली नहीं आ रही है, बहुत प्रॉब्लम है, आप आके काम कर सकते हैं? कार में कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करने के लिए कह रहा हूँ। क्लास का टाइम हो रहा है, कीज देंगे। थैंक यू, बाय। भगवान की मर्जी से एक बार मिले थे, लेकिन अब दोबारा कब मुलाकात होगी ये नहीं पता। पहली बार तो भगवान मिला देते हैं यार, दूसरी बार हमें खुद कोशिश करनी पड़ती है। मत ले, शाम तक उस लड़की की कार आ जाएगी, नहीं तो देखना कॉल आ जाएगा। कॉल क्यों आएगा यार? क्योंकि उस लड़की की कार खराब हो जाएगी रे। क्या कहा था? ए, जानू का फोन है यार, उठा ना। हेलो, मेरी कार खराब हो गई है। सच में? हाँ सच में। कहाँ, क्या हुआ? कॉलेज से आते वक्त कार खराब हो गई। कार्बोरेटर खराब हो गया होगा। हाँ? मतलब उस दिन इंजन प्रॉब्लम आई थी ना, तो अब कार्बोरेटर प्रॉब्लम आएगी, इसका ये मतलब था। ओ, आप एक घंटा रिलैक्स कीजिए ना, कार हम अभी रिपेयर कर देते हैं। क्या कहा, एक घंटा? अगर आपको अर्जेंट काम है तो बताइए, ये बाइक पर ड्रॉप कर देगा। इसके साथ छी, मैं नहीं जाऊंगी। घबराइए मत, इसने एक साल सर्कस में काम किया है, आपको बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। हा? आप इस सब की टेंशन मत लीजिए, आप तो बस कॉफी शॉप पे जाके कॉफी पीजिए, आप पीते रहिएगा, ये बोलता रहेगा, इतने में तो हम गाड़ी ठीक भी कर देंगे। आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? चार हैं मेरे। बॉयज के बॉयफ्रेंड होना तो कॉमन चीज है, इसलिए इन्हें पूछ रहा था। वैसे ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए क्यों? मतलब बॉयफ्रेंड की भी तो कार होगी ना, उन्हें भी हमारे गैरेज में लाने को कहिए। अच्छा, कवर किया। आपके पापा क्या करते हैं? सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे क्यों का क्या मतलब होता है, कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। कुछ बात करने के लिए कार कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी, माइलेज कितना देती है, ये सब भी तो पूछ सकते हो, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों? ए, चुप ना। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। बिस्किट खाओगे? नहीं नहीं, आप खाइए ना। आप क्लास टॉपर है ना? आपको कैसे पता? आपकी तरह साइलेंट रहने वाली लड़कियां अच्छे से पढ़ती हैं। क्रीम बिस्किट चाहिए? वन सेकंड। जिस गाड़ी में साइलेंसर ना हो, ऐसी गाड़ी को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इस बार आवाज करे तो उसके पुर्जे तोड़ देना। बाय। एक्चुअली एक घंटा हो गया तो चलते हैं। क्या, एक घंटा हो गया? आपसे बात करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। वेटर, बिस्किट पुराने हो गए हैं, अगली बार बदल देना। क्या बोलता है, अब तक तो पटा लिया होगा ना? आपकी कार ठीक हो गई? थैंक यू। क्या रे, कुछ काम बना क्या? कहां यार, वो कबाब में हड्डी बन के बैठी थी ना। तू टेंशन मत ले, किसी न किसी दिन ये कार लेके अपने गैराज में आएगी ना, तो ब्रेक निकाल देंगे। इसलिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ। हर रिपेयर के लिए पूरी गैंग का आना जरूरी है। ये गैंग नहीं है, इट्स अ टीम, सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट्स हैं। पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ, पता होना चाहिए, वायरिंग प्रॉब्लम है ना। हाँ? चाहे जितना बड़ा एक्सपर्ट हो, देखे बगैर बताना गलत है। हाँ, बेटा। सडनली कार खराब हो जाती है, परसों एक बार, कल एक बार, आज फिर खराब हो गई। आपके गैराज में लाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। किट्टू, वायरिंग प्रॉब्लम, एक्सपर्ट है। बस थोड़ा वायरिंग इशू है ना, दो घंटे में ठीक कर ही देंगे। दो घंटे लगेंगे? हाँ, इन दो घंटों में हम थिएटर में मूवी देखेंगे और किट्टू हमें कंपनी देगा, है ना? Exactly. ये देखिए, मेरा दोस्त टिकट लेकर भी आ गया। वाह, पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हो, चलो चलते हैं। अबे तुझे हॉरर मूवी मिली थी क्या? रोमांस करने के लिए हॉरर मूवी सही होती है यार, तभी तो टचिंग हगिंग होती है। अरे क्या हुआ, आप मूवी खत्म होने के बाद बताए बिना ही चली गई? बहुत डर गई थी क्या? मुझे ऐसी हॉरर कॉमेडी मूवी बहुत पसंद है, और आपको? मुझे भी, स्क्रीन पर हॉरर और उसे देखते वक्त आपने जो कॉमेडी की, दोनों अच्छे थे।
वैसे प्रॉब्लम क्या है? क्लच लॉक हो गया है। ऐसा कैसे हो गया? लॉक तो गियर होना चाहिए ना। आपको कैसे पता कि गियर लॉक होगा? ये तो एक साइड इफेक्ट होता है ना, जैसे जैसे इंजन प्रॉब्लम आती है वैसे वैसे गियर लॉक हो ही जाता है। किट्टू, अगर चाहो तो कल से मैं ही गैराज आ जाऊंगी। नए प्रॉब्लम क्रिएट करके कार खराब मत करो। फ्रेंड्स आप 10 मिनट अंदर बैठिए, मैं कार ठीक करके आता हूँ। आप लोग ग्रेजुएट्स हैं? कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, लीज पर ये गैरेज चलाते हैं। मतलब आपकी कॉलेज से फ्रेंडशिप है? उससे भी पहले से। कॉफी? ओह, शहर के बाहर जो अनाथालय है ना, वो हमारा ही है। वाओ, आप लोगों ने बनाया? नहीं, हम वहाँ बड़े हुए। सॉरी डैडी, हमेशा ऐसा ही करते हैं। आज लेट क्यों आया? डैडी से झगड़ा हो गया। ओहो, यार किट्टू, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गियर ब्लॉक हो गया शायद, एक बार देखना जरा। बाय भैया। बाय बेटा। वो कौन है? सनी नाम है उसका। उसका बाप उसे काम पर भेजता था और ये उसे स्कूल भेजता है। मंथली सैलरी और उसकी फीस भी देते हैं। हम कहते हैं हमें क्या करना है, इसके माँ बाप देख लेंगे, पर ये सुनता ही नहीं। उन्हें बोलो कि बच्चों से काम नहीं करवाते। अगर मना कर दिया ना तो उसे दूसरे गैराज पे काम पे लगा देगा। जैसे ऑक्सीजन के बिना इंसान मर जाता है ना, एजुकेशन के बिना इंसान का फ्यूचर मर जाता है, ये इसकी फिलोसफी है। थैंक यू। हमारी इतनी सारी प्लानिंग के बावजूद वो फ्रेंड कह के चली गई यार। उसे तेरी फीलिंग समझ भी आ रही है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार। मुझे भी नहीं लगता। फीलिंग्स में म्यूजिक ऐड करके अब उसे मैं अच्छे से समझाऊंगा। हेलो, कौन? मैं किट्टू बोल रहा हूँ, फ्रॉम कार केयर। कार रिपेयर की थी ना, तो पता करने के लिए कॉल किया कि कैसी है। कल ही रिपेयर करवाई थी ना, इतनी जल्दी क्या होगा? नहीं मतलब रिपेयर की थी ना, तो डेली एक बार कॉल करके हालचाल पूछना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरूरत नहीं है, कुछ होगा तो मैं फोन कर दूंगी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ही करूंगा। मैं करूंगी। मैं करूंगा ना। कहाना नहीं। कहाना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जानकी, कुछ समझ में आया? बच्चे समझ रखा है क्या? देखो ये फेसबुक व्हाट्सएप ज्यादा यूज मत करना, समझ में आया? आ रहा है। किट्टू, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आई तो तुम प्रपोज कैसे करोगे? मैं प्रपोज नहीं करूंगा। तो फिर? प्यार तो एक फीलिंग है, अपनी फीलिंग सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, समझ लेना चाहिए। अगर समझ नहीं आई तो? अगर अपने प्यार में सच्चाई हो तो पक्का समझ में आएगा। मतलब क्या मेरे प्यार में सच्चाई नहीं है? तुम्हारा प्यार तो तुम्हें मेरी फीलिंग समझ नहीं आ रही है ना? ए, सुनो रे, हमें अपनी बताई हुई कीमत पे गैराज मिल रहा है यार। फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। क्या बात कर रहा है यार तू? 3 महीने में रजिस्ट्रेशन है। सच में? सच में? हाँ। लेकिन मेरा मन तो वैजाग में ही लगा हुआ है, तू जो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आएगा। ए, देख भाई, कर्जा लेने के बाद फ्रेंड और ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड, फोन नहीं उठाती, ऐसा सब जानते हैं यार। अबे तेरी तो, तेरे मुंह से अच्छी बातें निकलती नहीं है क्या? जानू। हाय। वन वीक कहा था, 4 दिन में आ गई, मिस किया मुझे? नहीं करूंगी, तभी तो जल्दी वापस आ गई ना। ए, सुना ना? हाँ सुना। एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आई हो? हाँ, आधे घंटे में हॉस्टल नहीं पहुँची तो वार्डन एंट्री नहीं देगी, फिर भी तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ चली आई। मेरी जान, मेरी रानी, मेरी डायमंड। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, 1 हफ्ते में मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो रही है, जुबली हिल्स में घर लिया है, उसके बाद ही मैं तुम्हें मेरे पापा से मिलवाने लेकर जाऊंगी। सुन लिया, मेरी शादी भी फिक्स हो गई है। सोचा था गैरेज खरीद कर ओनर बन जाएंगे, अगर तेरी शादी हो गई तो मैडम के पास फिर से वर्कर बन के काम करना पड़ेगा। व्हाट, तुम गैरेज खरीद रहे हो? मैडम के फीट, पाव, हमारा फेट ही बदल गया। ठीक है, देर हो रही है, मुझे जाना है। जानू, 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 थोड़ी देर रुक जाओ। जानू प्लीज थोड़ी देर रुको ना।
देखा, कार भी जाना नहीं चाहती। किट्टू देर हो गई है, कैसे जाऊं? बाइक से, चलो चलते हैं। थैंक यू किट्टू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट जानो। क्या है? कुछ नहीं, वो तुम कुछ मांगना चाहते हो? थोड़ा उधार दोगी मुझे? कल मैं लौटा दूंगा। कितने? पैसे नहीं मांग रहा हूं, किस। ओके, किस चाहिए तुम्हें? और कल वापस भी लौटा दोगे? ज्यादा रोमांटिक मत बनो। ऐसा क्यों कह रही हो? देने पर लेने की फीलिंग और लेने पर देने की फीलिंग किस में ही तो है। दे दो ना। नो वे, ये सब शादी के बाद। शादी के बाद? तो फिर प्यार क्यों किया, सिर्फ देखने के लिए? शादी के बाद जो करते हैं उसे शादी से पहले करने के लिए ही प्यार क्रिएट किया है। प्लीज सिर्फ एक बार। किट्टू, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, प्लीज दे दो ना एक बार। अरे मारूंगी मैं। जानो। इसका एक्सप्रेशन तो देख। भाई भाई, किस मैंने किया है भाई? फील मैं कर रहा हूँ। फील भी तो मैं ही करूंगा ना। हाँ तो तू ही करना यार। हाँ तो ठीक है। हाँ तो फिर तुमने डुएट भी गाया? डुएट क्यों भाई? लिप लॉक के बाद गाना गाते हैं ना। क्या भैया, किस जमाने से हो? आजकल गाने कौन देखता है, हम तो सीधा सीन देखते हैं। ये लो ले सबका बोनस अमाउंट, तेरे 3000 और तेरे भी 3000। दो दिन बाद वापस आ जाना। ठीक है भाई। ठीक है। ए, कार रिपेयर हो गई? हाँ, प्लग प्रॉब्लम थी, वो हो गई। यार जानकी की कार में ये बैग था। मैं ही तुम्हें कॉल करना चाहती थी। क्यों? किसको भूल नहीं पा रही हूँ। क्या इसलिए बैग भूल गई? ओह नो, उसमें 25 लाख हैं। 25 लाख? बोला था ना प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पापा ने एडवांस देने के लिए भिजवाए थे। हाँ? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? और शादी के बाद तुम घर कैसे संभालोगी? संभालने के लिए तुम हो ना, टेंशन नहीं है, तुम्हारे पास रखो, कल सुबह ले जाऊंगी। मैं क्यों? अभी मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। किसके लिए आ रहे हो, मैं सब जानती हूँ। यार कभी सोचा नहीं था कि पैसे दे। फोन पर दे रही हूँ, एडजस्ट कर लो। जानू कल सुबह आकर बैग ले लेगी, अंदर रख दो। ठीक है, रख देता हूँ। ठीक है यार। किस दे यार? ये ले। जय निवासी बाबा जय। यार अपना बाप जी बुरा है लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। ऐसा क्यों, पैसा लेके गया और कार छोड़ दिया इसलिए? अरे नहीं यार, बैग छोड़ गया इसलिए। देख ना, पैसे तो अरेंज हो गए, बैग कहाँ से लाते रे। हाय जानू, तुम आ गई, कब आई? अभी तो आ रही हूँ। ये लो बैग, ये लो कीज। ओके थैंक यू, आई हैव टू लीव। जानू पूरे हैं या नहीं चेक कर लो ना। इसमें चेक क्या करना यार, सेम बैग है, सेम कैश है, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा क्यों कह रहा है, बैग और कैश दोनों उसके ही है ना। अजीब बातें करता है तू भी। तुम लोगों को क्या हुआ है, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये ऐसे ही बकता रहता है, तुम उसकी बातें मत सुनो। चलो चलो चलो। रुको रुको किट्टू, क्या कर रहे हो? वैसे बाबजी कहाँ है? हाँ बाबजी कहाँ है? बाबजी कहाँ है? बाबजी कहाँ है? बाबजी, बाबजी। अरे वो अनाथ है ना? हाँ वो तो अनाथ है। मतलब उसकी दादी भी अनाथ है, इसीलिए। दादी अनाथ है? अरे हाँ जानू, जानवर जानवर को जन्म देता है, इंसान इंसान को देता है, अनाथ अनाथ को देता है। तू चुप कर, तुम बैठो ना। ओके जाओ किट्टू। ऑल ओके? ऑल ओके जानू, तुम जाओ ना। जय निवासी बाबा। आजकल ब्रेकअप्स के लिए भी पार्टी होती है। हे गाइस, होप यू आर एंजॉयिंग द पार्टी। हाय शैलू, मैंने बताया था ना मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में, ये है किट्टू कृष्णमूर्ति। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को आई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आप करते क्या है? कार केयर, शहर का फेमस गैराज। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है, अपने दम पर कुछ बनने की कोशिश कर रहा है ये। ओहो, कुत्तों को किडनैप करके? व्हाट? जानू इसे कुछ गलतफहमी हो गई, चलो हम यहाँ से चलते हैं। वेट 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 वेट, कुत्तों को किडनैप करके मतलब? वही तो इसका धंधा है, और इसके साथ दो लड़के हैं जो ये काम करते हैं, इनका तो पूरा गैंग है। हमारे कुत्ते को किडनैप करके हम ही से 50,000 रुपए ले रहे हैं, तुझे ये कहाँ से मिल गया? पढ़ी लिखी हो, इंसानों को पढ़ नहीं सकती?
आई पिटी यू जानू, और तू निकल यहाँ से। दिस इज टू मच। जस्ट शट अप। ऐसा कुछ नहीं है जानू। जो पूछू उसका जवाब दो। जिन कुत्तों को मैंने गैराज में देखा था उन सबको किडनैप किया था, पेट केयर सेंटर शुरू किया था। अच्छा ऐसा है क्या? हे पेट किडनैपर, क्रिएटिव है ना, गुड गुड इंटेलिजेंट। जानू 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 प्लीज जानू मेरी बात सुनो, मैं पूरी बात बता। जस्ट शट अप। देखा ना सब कैसे हंस रहे थे। तुम कभी ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे बस 5 मिनट दो जानू। तुम्हें तो अपनी लाइफ देने वाली थी। जानू मेरा प्यार सच्चा है जानू। छी प्यार नाम का शब्द भी तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। यू आर नॉट फिट टू लव। मासूम कुत्तों के प्यार को कैश में बदलने वाला लड़की के प्यार को कैश में नहीं बदल सकता क्या? कल मेरे प्यार को बीच में रखकर मेरे पापा को ब्लैकमेल नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी? अब आदत जो पड़ गई है। उस लड़की को उठाकर ले आऊं? किस लड़की को? जानू को। क्या बात कर रहे हो? नहीं भाई, इंसानों को किडनैप करना क्राइम है, कुत्तों को भी किडनैप नहीं कर सकते क्या? हे भगवान। अरे छोटे छोटे सपने हैं तुम्हारे, एक तरफ जिग्गू को पैसे देना है, दूसरी तरफ लड़की को ट्रीट गिफ्ट देना पड़ता है। प्यार के लिए कर्ज लिया था ना, इतना भी नहीं समझ सकती वो? जाने दो भाई, उस लड़की को नहीं पता ना। तुझे बताने देती ब्रेकअप बोलकर चली गई है? ये जिग्गू कर्जा स्वीकार करता है, ब्रेकअप नहीं करता। पता नहीं भाई, छोटी सी होप तो है, भगवान है ना। ये हुई ना बात, सही है। एक्चुअली पता है तुम्हें लेकर क्यों आए थे? 2 दिन में किसी का हार्ट ऑपरेशन है, लेकिन तेरी कहानी सुनने के बाद लग रहा है तुझे जीना होगा। वैसे वो भी इंसान ही है, उसके भी रिश्ते होंगे, प्यार होगा, ख्वाहिशें होंगी, कर्जा भी होगा। मतलब अभी मेरा दिल निकाल कर? टाइम ले ले, ऑपरेशन थिएटर रेडी है तेरे लिए, 2 दिन का समय दे रहा हूँ, मेरा कर्जा चुका दे, नहीं तो अपना दिल मुझे दे दे। क्या? चल चल जाओ। चल। है? कमल हसन को भी पीछे छोड़ दिया। 5 लाख मतलब 10 कुत्तों को किडनैप करना होगा यार, 2 दिन में कैसे मैनेज करेंगे? 10 कुत्ते नहीं यार, 1 कुत्ता और 1 ही किडनैप, इससे अपना सारा बैड लक खत्म हो जाएगा। कुत्ते के लिए 5 लाख कौन देगा यार? परसों कोई पेट केयर सेंटर आकर कुत्ते के नाखून और बाल कटाकर 25,000 का बिल देकर गया था। अरे यार कुत्ते के ग्लैमर के लिए जो 25,000 खर्च कर सकता है वो 5 लाख तो आसानी से दे देगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सही सोच रहा है, सुपर। अब निवासी बाबा के दर्शन करके काम शुरू करते हैं। उसके दर्शन करना बैड लक को इन्वाइट करने जैसा होगा। मैं नहीं आऊंगा। सॉरी 1 सेकंड। हेलो जानकी बोल रही हो? जाली नोट से बैंकॉक के फ्लाइट की टिकट खरीद रहा था, पकड़ा गया तो बताया कि वो पैसे आपके हैं। Who is that idiot? वो रहा। बाप जी, तुमने मेरा नाम क्यों बताया? तो क्या करता, वो पैसे तुमने दिए थे ना, इसलिए तुम्हारा नाम बताया। कौन से पैसे? उस दिन वो पैसे जो कार में भूलकर गई थी तुम। इन दोनों का क्या लेना देना है? तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि वो फेक करेंसी है, इसलिए मैं लेकर भाग गया था। देखो झूठ मत बोलो, उसने वो पैसे अगले दिन दे दिए थे। किट्टू ने पैसे दे दिए थे? तुमसे प्यार करता है ना, इसलिए पैसे खोने का तुम्हें दुख ना हो तो उसने कर्जा लेकर लौटा दिया होगा। अरे देखने की क्या जरूरत है, ये कैश भी उसका है, बैग भी उसका है। ऐसे क्या कह रहा है, बैग भी उसका है, कैश भी उसी का है। बाप जी कहाँ है? बाप जी कहाँ है? बाप जी ये कुत्ता किसका है? अभी पेट केयर सेंटर शुरू किया ना तो वही कुत्ता है। वही है। हमारे कुत्ते को किडनैप करके हम ही से 50,000 रुपए ले रहे हैं। मुझे बस 5 मिनट दो जानू। तुम्हें अपनी लाइफ देने वाली थी। ए, थोड़ी देर में कुत्ता आ जाएगा, स्मोक रेडी रख। अरे यार स्मोक का काम मैं देख लूंगा ना, तू उस डॉग पे कॉन्सेंट्रेट कर। अभी ये स्प्रे किस लिए? अगर स्मोक मिस हो जाएगा तो स्प्रे यूज कर लेंगे बैकअप के लिए। ले इसे पकड़। इसे फिट कर। किट्टू जानू कहाँ हो तुम? मैं कार डिलीवरी करने आया हूँ। हमारी रोज की जगह मिल सकते हो? तुमसे बात करनी है किट्टू।
बहुत कुछ बताना है, प्लीज। ठीक है, 5 मिनट में वहाँ आऊंगा। थैंक यू किट्टू, बाय। चलता हूँ यार। यार कुत्ता, ए समझने की कोशिश कर, ब्रेकअप हुआ था ना, फिर से पैचअप हो रहा है, प्लीज यार, प्लीज, अरे प्लीज। 5 मिनट रुक जाना यार, उस डॉग को लेके हम चले जाएंगे, तू जानू के पास चले जाना प्लीज। हेलो सर, मैम साहब पूछ रहे हैं कि आप घर आ रहे हैं या नहीं। हाँ घर ही आ रहा हूँ। ए कुत्ता कुत्ता, ए तू स्मोक रेडी कर, तू कार निकाल, तू स्मोक देख, चल चल चल। हेलो सर, आपने सुना ना, मैंने आपकी बेटी को किडनैप किया है। कौन हो तुम लोग, कहाँ से बात कर रहे हो? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। कितना पैसा कहाँ पर लाना है वो मैं फोन करके आपको बताता हूँ। ओके सर, सर 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 सर, एक और बात, ये मैटर पुलिस तक नहीं पहुँचना चाहिए, नहीं तो मुझे खामा खा आपकी बेटी को मारना होगा और उसकी लाश आपको मिले या ना मिले, समझ गए ना? हेलो किडनैपर्स, कितने चाहिए? इसकी बेटी ने घर जाकर बता दिया होगा, पूछ रहा है कितने चाहिए। हाँ, पांच पांच। थोड़ा बड़ा अमाउंट है लेकिन मजबूरी है, 5 लाख। 5 लाख? देखा कुत्ते को कितना चाहता है, 5 लाख बोलो तो 5 लाख देने के लिए तैयार हो गया। hey, तुम लोगों ने मेरी जान को किडनैप किया है। आपकी जान को हमारी जान की तरह देख रहे हैं सर, आप ही उसका ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हो। What do you mean? मतलब ये तो अब जवान हो गई है, ऊपर से लड़की है, दहलीज पार करते ही यहाँ वहाँ देख रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपकी बेबी हमारे पास बहुत खुश है सर। अब ये सुनिए, आते वक्त कीचड़ लग गया तो उसे नहलाया भी था। तुमने उसे नहलाया? मैं अकेला ही नहीं हूँ, हम सब ने मिलकर नहलाया। आपकी बेबी बहुत बदमाश है, नहलाते वक्त हम पर हाथ रखकर बदमाशी कर रही थी। अगर मेरी बेबी को हाथ भी लगाए तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर ये कुत्ते के मामले में ही इतना पजेसिव है तो बेटी के मामले में कितना पजेसिव होगा? इन सब से हमें क्या लेना देना सर, आप हमारे पैसे भेज दीजिए, आपकी बेबी को घर भेज देंगे। ठीक है, ये बताओ पैसे कहाँ लाने हैं? चार मीनार के पास, पुरानी मस्जिद। हेलो, पहचाना नहीं, थोड़ी देर पहले फोन किया था ना, वही किडनैपर बोल रहा हूँ। ये क्या है, तुम लोग एक नंबर से कॉल नहीं कर सकते क्या? अच्छा, हमारा फोन टेप करना है तुम्हें? हम कोई छोटे से बच्चे नहीं है। अब जो कहता हूँ वो सुनो, टाइम वेस्ट किए बिना 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड लेकर गोलकोंडा की पुरानी एवेन्यू पर जल्दी से पहुँच जाइए। 1 करोड़? अभी तो कॉल किया था कि इतनी जल्दी इतना सारा कैश? जो बोल रहा हूँ वो कर, 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड लेकर पहुँच। तुझे एक्सेस कार्ड से क्या मतलब है? बेबी सुना ना, अब समझा? मैं हमेशा सिगरेट पीता हूँ, जितनी बार सवाल करेगा उतनी बार तेरी बेटी जलेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड लेकर आता हूँ। ये 1 करोड़ क्यों? भाई ने तो सिर्फ एक्सेस कार्ड मांगा था ना। एक्सेस कार्ड भैया के लिए, करोड़ रुपए हमारे लिए। हेलो, क्या टाइम सेंस नहीं है क्या? आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट में गोलकुंडा पहुँच जाऊंगा। गोलकुंडा क्यों, हमने 4 मीनार कहा था। ये क्या, इससे पहले तो ओके, मैं 4 मीनार आता हूँ। कुत्ते के जाने के गम में रास्ता भूल गया लगता है।
किट्टू अपुरे आज हमारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व हो गई, हैप्पी मोमेंट्स फिर से स्टार्ट हो गए रे। थैंक्स बेबी। इसका नाम बेबी ही है ना, नाम लेके बुला रहा हूँ तो देख क्यों नहीं रही है? शायद उसे पता ही ना हो कि उसका नाम बेबी है। ए, ओपन करने यार। अरे ये देख इसमें कार्ड है, मतलब इस्तेमाल करने के लिए पैसों के साथ क्रेडिट कार्ड भी दे दिया है। अरे ये क्रेडिट कार्ड नहीं यार, ये एक्सेस कार्ड लग रहा है। इधर ला। अरे छोड़ना, इससे अपना क्या फायदा। ए, लगभग इसमें 1 करोड़ होंगे यार। ओ माय गॉड, ओ माय डॉग। यार अगर ये बात पहले पता होती तो शहर में कुत्तों की तरह कुत्तों के पीछे भागने से अच्छा इसे ही पकड़ लेते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। कुत्तों के साथ रहते रहते तेरी बुद्धि भी कुत्ते वाली हो गई। 5 लाख मांगने पर 1 करोड़ रुपए दे दिए, समथिंग इज रॉन्ग यार। हे, मेरी बेबी कहाँ है? आ जाएगी सर। आप आपकी बेबी से कितना भी प्यार करते होंगे लेकिन 5 लाख मांगने पर सीधा 1 करोड़ है? हमें नहीं चाहिए सर, हम नीच काम भी नीटली करते हैं। बेबी के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपके कंपाउंड में रख देंगे। आप बिस्किट रेडी कीजिए। बिस्किट क्या है? अरे वही कुत्तों के बिस्किट। कुत्तों के बिस्किट, वो किसके लिए? अरे सर आपके कुत्ते के लिए। ए, बकवास बंद कर और सीधा सीधा बता कि मेरी बेटी कहाँ है। बेटी किसकी? ए, सुन, तूने 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड मांगा था ना, वो दे दिया। अब चुपचाप मेरी बेटी को घर भेज दे वरना शूट कर दूंगा मैं। यार ये बीच में बेटी कहाँ से आ गई? मामला तो कंफ्यूजिंग हो गया। मेरी अभी समझ में आ रहा है। क्या? उसने 1 करोड़ कुत्ते के लिए नहीं दिए थे, बेटी के लिए। उसने फोन में बेबी जो बोला वो डॉग के लिए नहीं, डॉक्टर के लिए। किसी ने उसकी बेटी को किडनैप करके 1 करोड़ गोलकोंडा लाने को कहा है, वही से ये कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है। तो अब क्या करेंगे यार? और क्या करेंगे, उस बैग और कुत्ते को ले जाकर उसके घर पे छोड़ देंगे, जाकर उसकी बेटी को ले आएगा वो। अरे यार भाग भाग के हमारी हालत खराब हो गई, थोड़े पैसे हम लोग रख लेते हैं। लड़की के पैसे हैं यार, गलत बात है। चल। मेरी बेटी कहाँ है? कैश कहाँ है? क्या बोल रहे हो, कैश तो भिजवा दिया ना, तुमने थैंक्स तक नहीं कहा। कैश लिया था तो तुझे उसकी रसीद भी दी होगी ना। ये क्या बात कर रहे हो तुम? फिर से क्वेश्चन कर रहे हो? सिगरेट मेरे हाथ में है और तेरी बेटी मेरे बाजू में। ओह माय गॉड। 2 घंटे का टाइम और ले ले, 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड गोलकोंडा में लेकर आ। दोबारा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ तेरी बेटी की लाश कुरियर में भेजूंगा। बाय। ए, सुन सुन। अरे क्या करूं मैं? मैडम क्या हुआ? जिमी कहीं मिल नहीं रही। जिमी कहाँ जाएगी, जानकी के साथ वॉक पर गई है। जिमी मतलब उन लोगों ने कुत्ते के लिए 5 लाख मांगे थे, 5 लाख, और दूसरों ने बेबी के लिए 1 करोड़ मांगे। 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड। एक ने चार मेरा नाने के लिए कहा और दूसरे ने गोलकुंडा, मतलब ये पैसा असली किडनैपर्स के पास नहीं गया, दूसरे के पास चला गया। शिट। बेबी सुनिए, क्या हुआ, क्या हुआ जी? बेबी क्या हुआ? राजू एम्बुलेंस को कॉल करो। अरे यार यहाँ इतनी सारी पुलिस क्यों आई है, कहीं इसका मालिक ऊपर तो नहीं निकल लिया? नहीं यार, ये केस बहुत आगे बढ़ गया है, अगर हम दिखेंगे तो पकड़े जाएंगे और हमारी जो वाट लगाएंगे। अब क्या करें यार? निकल चलते हैं। चल चल निकाल निकाल। सर किडनैपर्स के बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस केस के लिए स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है। द ग्रेट अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया डॉन अफजल खान, भाग जा, अगर तू नहीं भागा तो मैं तुझे शूट कर दूंगा, जीने का कोई चांस ही नहीं। और अगर तू भागा तो तेरे उस टर्न तक पहुंचने तक वेट करूंगा, सिर्फ 1 बुलेट खर्च करूंगा तेरे लिए। अगर तेरी किस्मत अच्छी होगी तो तेरी जिंदगी बच जाएगी, चॉइस इज योर्स, तुझे मौका चाहिए या मौत चाहिए। सर तो शूट कीजिए ना। ये कॉफी इतनी ठंडी क्यों है? सर वो भाग जाएगा सर। बोलिए सर। आंटी पुलिस।
ये इंसिडेंट कब और कैसे हुआ? जानू ने किसी पर फोन पर बात की और हमारे कुत्ते को बाहर लेकर चली गई। उसके बाद कुछ लोगों का कॉल आया और फिर उन्हें टेंशन हो गई। मुझे इतना ही पता है। किडनैप किसने किया है ये तो शायद उन्हें भी नहीं पता। फोन पर उन्होंने किससे बात की ये भी नहीं पता? पता नहीं। जानकी की कॉल लिस्ट देखी क्या? यस सर, लास्ट कॉल कृष्णा मूर्ति की थी सर। कृष्णा मूर्ति सर, वो एक डॉग किडनैपर है। डॉग किडनैपर? हाँ सर, जब जानकी को उसके बारे में पता चला तो उसने उसे ब्रेकअप कर लिया। तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? कार केयर माधापुर में सर। रामानुज सर, 10 मिनट के अंदर वो मेरे सामने है।